comparison. In this method, the respondent can express his attitude by making a choice between two objects. यहाँ पर रिस्पोंडेंट को कोई दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसे अपनी राय उन दोनों में से एक को चूज करके बतानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ रिस्पोंडेंट मेक्स अ चॉइस बिटवीन अ न्यू फ्लेवर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ऑफ ड्रिंक. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और एक नया ब्रांड मार्केट में आया है. आपको दोनों टेस्ट कराए जाते हैं और आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगा. सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकाना एंड पेपर बोट. ट्रॉपिकाना एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, 50 सालों से चल रहा है, लोग उसे पसंद करते हैं और परचेज करते हैं. अब एक नया ब्रांड मार्केट में आता है, दैट इज पेपर बोट. अब हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे, ट्रॉपिकाना भी टेस्ट करेंगे, पेपर बोट भी टेस्ट करेंगे. अब हम बताएंगे कि हमें ट्रॉपिकाना ज़्यादा अच्छा लगा या पेपर बोट ज़्यादा अच्छा लगा. दोनों के पीछे रीज़न अलग हो सकता है, हर इंसान का, हर रिस्पोंडेंट का अपना डिसीजन भी अलग हो सकता है, चॉइस भी अलग हो सकती है और उस चीज़ को चूज़ करने के पीछे रीज़न भी अलग हो सकता है. किसी हमेशा से उसने ट्रॉपिकाना पिया है इसीलिए उसे ट्रॉपिकाना ही अच्छा लग रहा है, वो अपनी चॉइस को चेंज नहीं करना चाहता. कोई है, कुछ लोग हैं जो हमेशा नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, उन्होंने पेपर बोट ट्राई किया और उन्हें पेपर बोट अच्छा लगा एंड दे गो फॉर इट. तो सब लोग जितने भी रिस्पोंडेंट्स होंगे जो ये बताएंगे कि उन्हें पेपर बोट ज़्यादा अच्छा लगा या ट्रॉपिकाना अच्छा लगा, उन सब के पीछे उनकी अपनी वजहें होंगी, अपने तर्क होंगे, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उनकी अपनी अलग राय होगी. तो यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्ट डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर लें.